नमस्कार आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रिगर्स को यूज़ करना सीखेंगे माई एस में ट्रिगर्स कैसे बनाते हैं कैसे यूज करते हैं मैं हूं रवि कुमार लेक्चरर कंप्यूटर साइंस जीपीसी डूंगरपुर तो ट्रिगर्स क्या होते हैं सबसे पहले हम ये देखेंगे ट्रिगर्स स्टोर्ड प्रोग्राम्स होते हैं माई एस के अंदर स्टोर रहते हैं ये प्रोग्राम्स और जब कभी कोई टेबल है उसमें कोई एक्शन हम लेते हैं जैसे डेटा इंसर्ट करते हैं या डेटा को डिलीट करते हैं या डेटा को अपडेट करते हैं तो ट्रिगर्स अपने आप स्वयं एग्जीक्यूट हो जाते हैं जैसे कि नाम से पता चल रहा है ट्रिगर तो ट्रिगर्स कुछ नहीं है सिंपली प्रोग्राम्स हैं जो माई एस में स्टोर रहते हैं और जब हम कोई एक्शन लेते हैं टेबल पर जैसे इंसर्ट करते हैं डिलीट करते हैं अपडेट करते हैं तो ये अपने आप एग्जीक्यूट हो जाते हैं जैसे कि एप्लीकेशन में हम अप्लाई कर रहे हैं टेबल पर इंसर्ट अपडेट डिलीट तो इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट ट्रिगर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा अपडेट करेंगे तो अपडेट ट्रिगर एग्जीक्यूट हो जाएगा और डिलीट करेंगे तो डिलीट ट्रिगर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ट्रिगर्स को हम कॉल नहीं करते हैं ट्रिगर्स को कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है जब भी हम डी एम एल स्टेटमेंट्स हम डेटा मैनिपुलेशन स्टेटमेंट्स और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डी डी एल और डी एम एल पढ़ चुके हैं तो जब डी एम एल स्टेटमेंट्स होते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट्स होते हैं जैसे हमने देखा यहाँ पर इंसर्ट अपडेट डिलीट तो ये जब परफॉर्म होते हैं तो ट्रिगर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाते हैं ट्रिगर्स हैं उनको हम मेनली दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं रो लेवल ट्रिगर और स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर। रो लेवल ट्रिगर में क्या होता है कि जब प्रत्येक रो में अपडेट डिलीट या इंसर्ट होता है तब रो लेवल ट्रिगर एग्जीक्यूट होता है और स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर में प्रत्येक एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है उसके लिए स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर एग्जीक्यूट होता है लेकिन माई है वो ओनली रो लेवल ट्रिगर को ही सपोर्ट करता है ये स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर को सपोर्ट नहीं करता है अब हम देखते हैं कि कैसे हम मैनेज करते हैं ट्रिगर्स को कौन कौन से टाइप्स हैं इनके क्रिएट ट्रिगर्स ये डिस्क्राइब करता है कि हम माई एस क्यूएल के अंदर एक ट्रिगर को कैसे क्रिएट करेंगे ड्रॉप ट्रिगर्स इसके अंदर हम ट्रिगर को ड्रॉप कैसे करेंगे वो है क्रिएट अ बिफोर इंसर्ट ट्रिगर इसके अंदर बिफोर इंसर्ट ट्रिगर है उसको कैसे मेंटेन करेंगे आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर इसके अंदर क्या होता है कि जब टेबल के अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं तो उसके बाद में कोई प्रोसेस होती है कोई एक्शन लिया जाता है बिफोर अपडेट इसमें जब टेबल को अपडेट करेंगे उससे पहले कोई एक्शन लेना है टेबल पर आफ्टर अपडेट ट्रिगर इसमें टेबल को अपडेट कर दिया उसके बाद में कुछ एक्शन लेना है बिफोर डिलीट इसमें टेबल में से डेटा डिलीट करते हैं उससे पहले क्या एक्शन लेना है आफ्टर डिलीट ट्रिगर ये डिस्क्राइब करता है कि डिलीट कर दिया डेटा को उसके बाद में क्या एक्शन लेना है तो ट्रिगर्स की हेल्प से हम डेटा की कंसिस्टेंसी है वैलिडेशन है ये सारी चीज़ें बना के रख सकते हैं तो ट्रिगर क्या होता है एक स्टोर्ड प्रोसीजर होता है डेटाबेस के अंदर जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब कोई स्पेशल इवेंट अकर होती है डेटाबेस में जैसे एग्जांपल के लिए एक ट्रिगर कॉल होगा जब कोई रो इंसर्ट होगी डेटाबेस के अंदर या फिर कोई कॉलम अपडेट हो सकता है क्रिएट ट्रिगर स्टेटमेंट क्रिएट करता है न्यू ट्रिगर इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है क्रिएट ट्रिगर फिर ट्रिगर का नेम अब ट्रिगर किस टाइप का है बिफोर आफ्टर दो टाइप होते हैं या तो जो एसक्यूल क्यूरी रन कर रहे हैं हम एक्शन ले रहे हैं उससे पहले चलेगा या उसके बाद में बिफोर आफ्टर फिर उसके बाद में क्यूरीज कौन कौन सी डी एम एल में तीन तरह की पड़ी हमने इंसर्ट अपडेट डिलीट कौन से एक्शन के साथ में करवाना है इसको काम को ऑन फिर टेबल नेम कौन सी टेबल पर लगा रहे हैं हम फिर किस लिए लगा रहे हैं हर एक रो के लिए फॉर ईच रो और फिर ट्रिगर की बॉडी कि हमें काम क्या करवाना है तो ऊपर वाला जो सिंटेक्स देखा हमने जैसे उसमें था ट्रिगर का नेम तो क्रिएट ट्रिगर के बाद में क्रिएट का नेम हम देंगे और क्रिएट और ट्रिगर है ये दोनों क्या की है कीवर्ड है क्रिएट तो हम पहले भी देख चुके हैं डेटाबेस क्रिएट किया है टेबल क्रिएट किया है तो जब डेटाबेस क्रिएट करना तो क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम जब टेबल क्रिएट करनी है तो क्रिएट टेबल और टेबल का नेम और यहाँ पर ट्रिगर क्रिएट कर रहे हैं तो क्रिएट ट्रिगर और क्रिएट ट्रिगर का नेम सिंपल है जैसे टेबल का नेम था डेटाबेस का नेम था वैसे क्या रहेगा इसका नेम भी यूनिक रहेगा ऐसे नहीं है कि एक नाम से दो ट्रिगर बना दिए वो तो हम हर जगह पढ़ रहे हैं ना प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वहाँ भी पढ़ रहे हैं क्योंकि जब एक से जब फंक्शन है उसका भी नाम यूनिक होता है टेबल का भी डेटाबेस का भी ट्रिगर का भी क्योंकि जब एक से ज़्यादा ट्रिगर हो गया चाहे डेटाबेस हो गया टेबल हो गया फंक्शन हो गया उनके नाम एक ही दे देंगे तो फिर कन्फ्यूज़न होगा ना उसको कॉल करने में इसलिए वेरिएबल्स वगैरह सबके नाम यूनिक ही रखते हैं हम का जो एक्शन है वो हमें बताना है कि बिफोर होगा कि आफ्टर तो बिफोर और आफ्टर क्या करेगा अगर बिफोर हम काम में ले रहे हैं तो जब रो के अंदर मोडिफिकेशन होगा तो उससे पहले कॉल होगा ट्रिगर और आफ्टर कर रहे हैं तो रो के अंदर मोडिफिकेशन हो गया उसके बाद में कॉल होता है उसके बाद में स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सी ऑपरेशन एक्टिवेट करेगी ट्रिगर को कि इंसर्ट करते टाइम एक्टिवेट करना है या अपडेट के टाइम करना है या डिलीट के टाइम जो भी हमारी नीड है आवश्यकता है उसके हिसाब से हम यूज करेंगे कई बार डेटा इंसर्ट कर रहे हैं उससे पहले ही टेबल के अंदर कुछ एक्शन लेना होता है या उसके जस्ट बाद में लेना होता है तो हम इंसर्ट यूज करेंगे इंसर्ट के साथ में यूज करेंगे कई बार अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं उस टाइम पर अब नेम स्पेसिफाई करने के बाद में नेम स्पेसिफाई करेंगे ट्रिगर का और फाइनली स्टेटमेंट्स कि ट्रिगर काम क्या करेगा ट्रिगर एग्जीक्यूट तो हो रहा है लेकिन ट्रिगर से करवाना क्या काम है तो वो स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे स्पेसिफाई करेंगे और अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कराने हैं तो बिगिन और एंड इनके बीच में लिखेंगे उनको तो ट्रिगर की जो बॉडी है वो एक्सेस करेगी वैल्यूज ऑफ द कॉलम ंग अफेक्टेड बाई द डीएमएल स्टेटमेंट जो डेटा मैनिपुलेशन स्टेटमेंट है इनसर्ट अपडेट और डिलीट उनसे जो अफेक्ट हुई है वैल्यूज को लंबे उनको एक्सेस क्रेडिट रिगर की बॉडी अब बिफोर और आफ्टर है डीएमएल तो जो क्यूरी हमारी रन हुई है उससे पहले क्यूरी रन होने से पहले वाली बिफोर वाली जो वैल्यूज है उनको यूज करना है तो हम कहाँ में लेंगे ओल्ड कीवर्ड और क्यूरी रन हो गई मोडिफिकेशन हो गया उसके बाद वाली लेनी है तो न्यू जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने अपडेट किया कॉलम डिस्क्रिप्शन ट्रिगर बॉडी में और हम एक्सेस कर रहे हैं वैल्यू ऑफ डिस्क्रिप्शन बिफोर दी अपडेट तो बिफोर के साथ में ओल्ड और न्यू वैल्यू के साथ में न्यू नीचे एक टेबल है हमारे साथ में उसमें देखेंगे हम कैसे काम में लेते हैं ट्रिगर किस टाइप का है इवेंट और फिर ओल्ड और न्यू तो ट्रिगर इवेंट अगर इंसर्ट है तो इंसर्ट के अंदर तो क्या होता है नया डेटा इंसर्ट करते हैं और पहले क्या रहता है कुछ रहता ही नहीं है तो ओल्ड के अंदर तो क्या हो जाएगा नो no, कुछ रहेगा ही नहीं और न्यू में रहेगा अपडेट अपडेट में जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको कर रहे हैं हम अपडेट इसका मतलब ओल्ड डेटा भी है उसमें न्यू भी है और डिलीट डिलीट के अंदर पहले से कुछ डेटा था उसको डिलीट कर दिया तो डिलीट करने के बाद तो कुछ है ही नहीं तो न्यू डेटा तो कुछ रहेगा ही नहीं ओल्ड में रहेगा अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं हम समझते हैं माइस् माइसकल ट्रीगर्स को हमने एक स्टूडेंट्स नाम से हमने एक टेबल बनाई तो टेबल बनाना हमने पहले सीख लिया था क्रिएट टेबल टेबल का नेम क्या है स्टूडेंट्स फिर ब्रैकेट में जो एट्रीब्यूट है कॉलम है उसका नेम और उसका टाइप तो आईडी इंटीजर टाइप की रहेगी और ऑटो इंक्रीमेंट ले लिया हमने और इसको प्राइमरी की बना दिया अब प्राइमरी की का हमें बताया कि एक तो इसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती और दूसरा ये यूनिक रहेगी फिर फर्स्ट नेम इसको हमने लिख दिया नोट नल ये ब्लैंक नहीं रह सकता लास्ट नेम ये भी नोट नल फिर स्टूडेंट के तीन सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स लेंगे सब्जेक्ट वन टू थ्री के मार्क्स फिर टोटल मार्क्स और फिर परसेंटेज मार्क्स उसके बाद में हम क्रिएट करेंगे एक ट्रिगर तो क्रिएट ट्रिगर ट्रीगर का नाम दे दिया हमने स्टूडेंट मार्क्स और इसको कहा में ले रहे हैं बिफोर और किसके साथ में इंसर्ट के साथ में ऑन टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट्स फॉर ईच रो अब ट्रीगर की बॉडी ट्रीगर में हमें करना क्या है तो ट्रीगर में हम क्या कर रहे हैं तीनों सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं उनको एंटर करने से पहले ही हम जो टोटल मार्क्स हैं वो कैलकुलेट कर रहे हैं तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़कर और फिर परसेंटेज भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो जैसे हम डेटा इंसर्ट करते हैं सब्जेक्ट वन टू थ्री के मार्क्स इंसर्ट किए तो टोटल और परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके टेबल में इंसर्ट हो जाएगा हमें मैनुअली इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है तो हम रन कराते हैं इंसर्ट इंटू टेबल का नाम था स्टूडेंट्स वैल्यूज वैल्यूज दे दी हमने जीरो राकेश नाम का लड़का है और तीनों सब्जेक्ट्स में एटी 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 मार्क्स आए और जीरो जीरो दे दिया टोटल और परसेंटेज में अब हमने ट्रिगर बनाया था वो इंसर्ट के साथ में बनाया था यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं हम इंसर्ट के साथ में बनाया था और वो भी बिफोर इंसर्ट तो जैसे हमने इंसर्ट क्यूरी की तो क्यूरी रन कराई हमने और हमने जीरो जीरो दिया है टोटल और परसेंटेज लेकिन हमने इसके साथ एक ट्रिगर अटैच कर रखा है तो वो ट्रीगर ऑटोमेटिकली अपना काम करेगा तो हम टेबल में से अब सेलेक्ट करके देखते हैं कि देखिए क्या काम किया ट्रिगर ने तो सेलेक्ट किया अब देखिए जैसे इस टेबल में देख सकते हैं हमने सब्जेक्ट वन टू थ्री के तो एटी एटी मार्क्स दिए लेकिन टोटल और परसेंटेज हमने जीरो जीरो डाला था लेकिन ये अपने आप टोटल और परसेंटेज कैलकुलेट हो गया है तो ये ट्रीगर का कमाल है ऑटोमेटिकली जो कैलकुलेट हुआ है वो अब हम देखते हैं अपडेट के साथ में बिफोर अपडेट ट्रीगर काम में लेते हैं इसमें ये कॉल होगा चेंज होने से पहले तो क्रिएट ट्रीगर बिफोर स्टूडेंट अपडेट बिफोर लेंगे अपडेट होने से और किस पर अपडेट कर रहे हैं ऑन स्टूडेंट्स टेबल पर फॉर ईच रो अब इसमें इंसर्ट करेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स सेट एक्शन इक्वल टू अपडेट फर्स्ट नेम ओल्ड डॉट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इक्वल टू ओल्ड डॉट फर्स्ट नेम तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम तो अपडेट कर रहे हैं उसमें मॉडिफाई कर रहे हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम में लेकिन हमने ट्रिगर ये लगा दिया कि हम पुरानी वाली वैल्यू जी है वही रख लेंगे इसके अंदर तो इस ट्रिगर में हमने ओल्ड कीवर्ड काम में लिया है दोनों कॉलम्स के साथ में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ में जो रो अफेक्टेड होगी अब सारे जो ट्रिगर्स है करंट डेटाबेस में इनको देखने का तरीका होता है शो ट्रिगर्स स्टेटमेंट शो ट्रिगर्स तो अपडेट हो गई रो में स्टूडेंट्स टेबल में और अपडेट किया हमने अपने जो क्यूरी लगाई है अपडेट की अपडेट टेबल का नाम स्टूडेंट्स सेट लास्ट नेम कुमार और फर्स्ट नेम जहाँ राकेश था तो राकेश था उसका लास्ट नेम हमने कुमार कर दिया फिर हमने सेलेक्ट करके देखा क्योंकि हमने ओल्ड काम में लिया था तो हम क्या करेंगे उसमें जब देखेंगे तो वो ओल्ड वाला ही आएगा नया वाला कुमार नहीं आएगा ओल्ड जो पहले से लगा रखा था उसमें सर नेम वही आएगा लास्ट नेम जो था अब ट्रिगर्स के एडवांटेजेस क्या क्या है ट्रिगर्स प्रोवाइड अनदर वे टू चेक द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा ये एक अलग तरीका हमें प्रोवाइड करते हैं डेटा की इंटीग्रिटी को चेक करने का पहला तरीका तो हो गया इंटीग्रिटी का जब हम टेबल क्रिएट करते हैं उसी टाइम पर नोट नल लगाते हैं उसकी रेंज बताते हैं लेकिन दूसरा इससे भी हम कर सकते हैं ट्रिगर से भी ट्रिगर हैंडल करता है एरर्स को फ्रॉम द डेटाबेस लेयर। डेटाबेस हमें एक अल्टरनेटिव तरीका देते हैं कोई शिड्यूल्ड टास्क है उसको रन करने का ट्रिगर्स को हम यूज करते हैं हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है कोई शेड्यूल्ड इवेंट है वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी बिफोर और आफ्टर चेंज होगा टेबल के अंदर तब ट्रिगर्स है वो यूजफुल हो सकते हैं डेटा की ऑडिटिंग करने के लिए उसमें चेंजेस हुए हैं उनमें डिसएडवांटेजेस भी है ट्रिगर्स के कुछ ट्रिगर्स ओनली एक्सटेंडेड वैलिडेशन है वही प्रोवाइड करते हैं सारे वैलिडेशन इससे प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं जैसे तो सिंपल वेलीडेशनस है नोट नल यूनिक चेक और फॉरेन की कंस्टेंट्स तो इसके लिए तो हमें नोट नल यूनिक यही काम लेने पड़ेंगे ट्रिगर से नहीं कर पाएंगे ट्रिगर्स से उनको ट्रबल सूट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट काम है क्योंकि एक तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं तो ये क्या होते हैं क्लाइंट का जो एप्लीकेशन है उसमें विजिबल भी नहीं होते ट्रिगर्स है वो ओवर हेड काम बढ़ा देते हैं माई एस क्यूएल सर्वर का तो स्टूडेंट्स ये थे ट्रिगर्स आज के लिए बस इतना ही थैंक यू